विघ्नहर्ता श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश। नारी, इस युद्ध का अंत मैं करूंगा, तुम्हारा शीश धड़ से विलग करूंगा मैं। इस युद्ध का अंत तो अवश्य होगा निशुम्भ, तुम्हारे अंत के साथ। बहुत अहंकार है ना तुम्हें अपने आप पर, तो आज एक अंतिम युद्ध कर लेते हैं। एक अबला नारी मेरे समक्ष कैसे टिक सकेगी? मेरे समक्ष टिक सकोगे तुम? तुम्हारी ये भ्रांति अभी दूर हो जाएगी निशुम। नारी, तुम मेरी शक्ति को भ्रांति बुला रही हो। हंसी आती है मुझे तुम्हारी बुद्धि पे, जिसकी भ्रांति मैं दूर करूंगा। मेरी शक्ति का स्रोत ब्रह्मदेव का वरदान है, और उस वरदान के समक्ष तुम्हारे ये व्यर्थ के वचन तुच्छ हैं, कोई महत्व नहीं इनका। आओ देवी, विलंब मत करो, मेरा सामना करो। तुम्हें परास्त करके समस्त असुर सेनापतियों का प्रतिशोध लूंगा, और तुम्हारी उद्दंडता का ऐसा भयंकर दंड दूंगा, तुम्हारा शीश धड़ से विलग करूंगा मैं। विलग करूंगा मैं। विलग करूंगा मैं। विलग करूंगा मैं। निशुम्भ का काल कूटपाड़ कदापि नहीं रोक सकेगी ये, अब अवश्य वध होगा इस दुष्ट का। ये उचित है, मेरे ये असंख्य बाण इस नारी को आहत अवश्य करेंगे, और इसके पास कोई तोड़ नहीं होगा, कोई तोड़ नहीं होगा। तुम्हें क्या लगा देवी, मेरा प्रिय भ्राता निशुम्भ तुम पर साधारण वार करेगा? नहीं, देखो उसके बाण तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं। अब तुम हमसे उलझने का परिणाम भुगतोगे, परिणाम। परिणाम की चिंता तो तुम्हें करनी चाहिए मूर्ख असुरों। मेरे बाणों को नष्ट करने का प्रयास करने जा रही है क्या? नहीं कर पाओगी देवी, कालकूट बाण है ये, कोई साधारण बाण नहीं है। ये माता ने कितने समय से अपने धनुष की प्रत्यंचा तान रखी, किंतु अब तक भी इस पर कोई बाण नहीं। बाण की कोई आवश्यकता नहीं है देवराजेंद्र, मां तो शून्य उत्पन्न करने की विधि का प्रयोग करने जा रही है। Yeah.
मेरी बाण तीव्र वेग से मुझ पर ही लौटा दिए इस नारी ने। इस नारी का इतना दुस्साहस हमारे वार से हमें ही आहत करने का प्रयास कर रही है। माँ की लीला तो माँ ही जानती है, और मैं बस इतना जानता हूँ कि आज शुंभ निशुंभ उनके क्रोध से सुरक्षित नहीं। अवश्य माता आज हमें दुष्टों के आतंक से मुक्त करेंगी। मेरा अगला वार तुम अपनी किसी भी माया से विफल नहीं कर सकोगी देवी। शुंभ जो अभी भी माँ की शक्ति को नहीं समझा, पुनः उन पर वार करने जा रहा है वो। मायाविनी हो तुम, तुम्हारी माया का विष ये मेरा भयंकर सर्प शांत करेगा। तुम्हें आहार बनाकर जिसकी सर्वथा तुम योग्य हो। बाण को विलीन कर उन्हें कोई माया तो नहीं की इस दुष्ट नारी ने? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अवश्य निशुंभ के इस वार से आतंकित होकर अपने लक्ष्य से भटक गई है ये। अरे तुम क्या युद्ध करोगी? तुम्हें तो अपना लक्ष्य भी साधना नहीं आता। उचित कह रहे हो भैया, एक नारी योद्धा कैसे हो सकती है? मात्र धनुष धारण करने से उसका उपयोग करना नहीं आता। पिताश्री, तुम्हारी माँ की लीला वही जानती है। ऐसा अभी तुम्ही ने कहा था पुत्र, फिर व्यर्थ की चिंता क्यों कर रहे हो? ध्यान से देखो, तुम्हारी मां का कोई वार व्यर्थ नहीं होता। माँ ने तो उत्क्रोश शस्त्र का प्रयोग किया है। इसने निशुंभ के भयंकर सर्प को नष्ट करने के लिए गरुड़ उत्पन्न कर दिया।
कुजवासिनी विलसिनी चंदांशु तेजस्विनी या प्रगटिता विष्णो स्वयागेहिनी सामां पातु मनोरमा पद्मावती है। माँ की लीला तो अपरंपार है, ये मूर्ख असुर तो उनका स्पर्श भी नहीं कर सकते। माँ ने तो निशुम का ये प्रहार भी निरस्त कर दिया, किंतु अब ये दुष्ट निशुम क्या करेगा। भ्राता निशुम, तुम मुझे आनंदित करने लाए थे, अपमानित करने। एक नारी से तुम बार बार पराजित हो रहे हो। नहीं, ये कदापि नहीं होने दूंगा। एक तुच्छ नारी मुझे पराजित नहीं कर सकती, नहीं कर सकती पराजित। जो घटित हो चुका है उसे स्वीकार करने में ही तुम्हारी भलाई। एक नारी ने तुम्हें विफल कर दिया। नहीं। नारी शक्ति के समक्ष तुम्हारा पुरुषार्थ, तुम्हारा पराक्रम दोनों व्यर्थ हो गए। दुस्साहसी नारी, अब मैं तुझे भस्म करूंगा। क्या था मुझे, तुम मेरा अग्नि प्रहार नष्ट करने के लिए जल का संचार करोगी, किंतु ये साधारण जल से कोई लाभ नहीं होगा। मेरे बाण द्वारा उत्पन्न अग्नि इस जल से शांत नहीं होगी। अब ये भस्म होगी तो इसकी चित्कार सुनने में बड़ा आनंद आएगा मुझे। पिताश्री, माँ ने क्या शून्यास्त्र का प्रयोग किया है? हाँ पुत्र, एक ऐसा अस्त्र जो ऐसे अनेक अंधकारी शून्य स्थान उत्पन्न कर देता है जिनके मुख में प्रवेश कर उनके अनंत अंधकार में सबको समाहित हो सकता है। निशुंभ में माँ की लीला को समझने का सामर्थ्य ही कहाँ। माँ अब क्या लीला करेंगी उसका पूर्वानुमान तो कोई भी नहीं लगा सकता। मूर्ख निशुम जल की अपेक्षा कर रहा था, किंतु माँ ने तो उसकी अग्नि को इस अनंत गह्वर में ही भेजने की व्यवस्था कर दी। ये कैसे संभव है? मेरे शस्त्र की अग्नि इसके भीतर कैसे समाहित हो रही है? अरे, ये अनंत अंधकार तो सब कुछ अपने भीतर खींच रहा है। असुर महानायक, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, हमें बचाइए, हमें अपने भीतर हमें बचाइए, हमें बचाइए, महानायक, असुर महानायक, हमारी रक्षा कीजिए। स्थिर ही नहीं हो पा रहे हैं, इसके शक्तिशाली खिंचाव के समक्ष टिक नहीं पा रहे हैं हम। रक्षा कीजिए हमारी, रक्षा कीजिए। Huh?
हम इस अंधकार में विलीन हो गए हैं। कोई तो रक्षा करो हमारी। मैं इस नारी को और नहीं सह सकता, इसका अंत करो। शुम निशुम, अंत करो अपनी मूर्खता का। देखो तुम्हारे सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। मैं चाहती तो तुम्हारी संपूर्ण सेना के साथ तुम्हें भी इसी अंधकार की गहराई में भेज सकती थी, किंतु मैं अपराधियों को एक और अवसर देती हूँ पापियों को उनके पापों का प्राश्चित करने का। लाभ उठाओ उसका, अपने पापों का प्राश्चित कर अपने प्राणों की रक्षा करो। भ्राता निशम, ये क्या हो रहा है? तुम पर धिक्कार है, एक नारी से तुम परास्त हो रहे हो, और वो नारी हमसे प्रायश्चित कराना चाहती है, हमसे। और मैं असुर महानायक शुंभ एक नारी से अपने प्राणों की भिक्षा मांगूंगा? नहीं, कदापि नहीं। तुम मेरा अपमान ही अपमान करवा रहे हो। इसे माता जीवित रहने का अवसर प्रदान कर रही है और ये अहंकार वश उसे भी गवा रहा है। मेरे भ्राता ने आज तक ऐसी उलाहना नहीं दी। मेरे प्रति मेरे भ्राता का क्रोध का कारण तुम हो। आज मैं तुम्हें मिटा कर ही रहूंगा। बस इस युद्ध का अंत मैं करूंगा। इस युद्ध का अंत तो अवश्य होगा निशुम, तुम्हारे अंत के साथ। नारी, महाराज शुंभ के अपमान का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। एक अबला नारी मेरे समक्ष कैसे टिक सकेगी? इसकी रक्त की एक एक बूंद को निचोड़कर अपने अपमानों का कठोर दंड दूंगा इसे। मुझे वरदान दीजिए ब्रह्मदेव कि स्त्री के अतिरिक्त कोई मेरा अंत ना कर सके। तथास्तु, तथास्तु। संसार के किसी भी स्त्री में इतनी शक्ति और सामर्थ्य नहीं भ्राता निशुम जो अब हमारा वध कर सके, इसलिए समझो अब हम अमर हैं। फेंक दिया इसने मुझे। भ्राता निशुम, भ्राता निशुम। तुच
अच्छी नारी, इतना दुस्साहस तुम्हारा। अंततः इस दुष्ट का अंत हुआ। इंद्रदेव, अपने स्वर नीचे करो। अब तुम देवराज नहीं रहे, मात्र तुझ हमारे बंदी हो। माता ने नशुम का अंत कर दिया, अब मात्र शुंब ही शेष। माता अवश्य शीघ्र ही इस शुंब का भी अंत करेंगी। समस्त संसार इन दुष्टों के आतंक से मुक्त होगा। अब शुंभ, मैं आपके लिए इस युद्ध में विजय प्राप्त करना चाहता हूँ। असुराधिपति शुंभ के विजय के लिए उस देवी से युद्ध करना चाहता हूँ। विश्वास नहीं होता, मेरा भ्राता निशुंभ महाबलशाली महायोद्धा इस युद्ध भूमि में निर्जीव पड़ा है। मैंने तुम्हें अनेकों चेतावनियां दी थी, अपने पापों का प्राश्चित करने का अवसर प्रदान किया था, किंतु तुमने सब अनसुना कर दिया। अब असुर महानायक का क्रोध ज्वालामुखी के समान फटेगा। हाँ, ये विस्फोट से पूर्व की शांति है, कहीं हम भी उनके क्रोध से आहत ना हो जाएं। पीछा डो और अपनी रक्षा करो। असुर महाराज तुम अब तो रुक जाइए। असुर महानायक, रोक दीजिए इस अनिष्टकारी युद्ध को। यहाँ इस युद्ध भूमि में जो भी अनिष्टकारी हुआ उसमें मेरा भी दोष है। जब मैं देवी कौशिकी के पास आपका प्रस्ताव लेकर गया, तो वहां से लौटने पर ही मुझे आपको चेतावनी दे देनी चाहिए थी कि देवी कौशिकी असाधारण शक्ति की स्वामी नहीं है। इससे उलझना उचित नहीं, किंतु अब तो सब कुछ समाप्त हो गया। असुर महानायक एक एक कर हमारे असुर महायोद्धा चंड मुंड धूम्रलोचन रक्तबीज और अब तो आपके भ्राता निशुम का भी अंत हो गया, और आधे से अधिक सेना हमारी नष्ट हो चुकी है। सत्य हमारे समक्ष है, देवी कौशिकी पर आप विजय प्राप्त नहीं कर सकते। असुर महानायक, अब तो अपने विवेक और अपनी बुद्धि जागृत कीजिए और इस युद्ध को रोक दीजिए। असुर महानायक, कोई तो उस दम्भी शुंभ को सद्बुद्धि प्रदान करने का प्रयास कर रहा है। किंतु प्रश्न तो ये है भैया कि क्या शुंभ उसका सुझाव स्वीकार करेगा? सुग्रीव, तुम सर्वथा उचित कह रहे हो। अपने विवेक और बुद्धि का मैं उपयोग करूंगा। जो इसे उचित सुझाव देने का प्रयास कर रहा था उसी का वध कर दिया इस दुष्ट ने। ऐसे द्रोही का वध मुझे पूर्व ही कर देना चाहिए था। है कोई और जो मुझे सुझाव देना चाहता है? है कोई? शुभ, तुम्हारी मूर्खता अब सभी सीमाएं पार कर चुकी। मैंने तुम्हें अनेकों चेतावनियां दी थी, किंतु तुमने एक नहीं सुनी। तुम्हारे अपने अनुचर ने भी तुम्हें चेतावनी दी, किंतु उसे सुनने के स्थान पर तुमने उसी का वध कर दिया। तुम्हारी आसुरी प्रवृत्ति से मैं भली भांति परिचित हूं, किंतु अब और कितनी नीचता पर उतरोगे तुम? कब समझोगे कि तुम अपने निकृष्ट आचरण से स्वयं अपनी मृत्यु का मुख खोल रहे? Ha 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 ha
नारी बुद्धि मंद ही होती है और तुम इसका प्रमाण हो। तुमने क्या समझा था तुच्छ नारी? मैं असुर महानायक शुंभ, त्रिलोक विजेता शुंभ यहाँ बिना किसी उचित रणनीति के आ गया था। मेरी इस बुद्धि में विकट से विकट परिस्थिति से निपटने की योजना है। मैं कितनी नीचता पर उतर सकता हूँ ये तुम देखना चाहती हो ना? तो लो देखो, तुम्हें दिखाने में मैं और विलंब नहीं करूंगा। संसार भेदी, संसार भेदी। क्या हुआ नारी? मैंने तुम्हें उलझा दिया ना? क्या सोच रही हो तुम? मेरे असुर सैनिक मुझे छोड़कर पलायन कर रहे हैं? नहीं 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 देवी, मेरी रणनीति है ये। थोड़ा धीरज रखो, सब कुछ ज्ञात हो जाएगा तुम्हें। तुम ऐसे चक्रव्यूह में फंसा रहा हो कि मुझे चुनौती देने के अपराध में तुम बहुत पश्चाताप करोगी, बहुत। ये जो भी हुआ अति उत्तम हुआ। प्रतीत होता है ये असुर सैनिक माता कौशिकी से भयभीत होकर पलायन कर गए। हाँ इंद्रदेव, और अब तो ये शुंभ मात्र माता को शब्दों के जाल में उलझाने का प्रयत्न कर रहा है। नहीं देवराज, सूर्यदेव, शुंभ इतनी सरलता से पराजय स्वीकार करने वाला नहीं। इसमें भी कोई भेद है, कोई कुटिल योजना अवश्य है उसकी। कार्तिकेय का कथन उचित है देवराज इंद्र। शुंभ भयभीत होता यदि उसके सारे असुर युद्ध भूमि छोड़ के भाग जाते, परंतु यह तो शांत और स्थिर खड़ा है। किंतु मामा जी, यदि शुंभ ने अपनी सेना को स्वयं यहाँ से भेजा है तो कहाँ भेजा है? माँ तो यही है। इसका अर्थ है इन असुर सैनिकों को। क्या हुआ गणेश, तुम अचानक ऐसे चिंतित क्यों हो गए? कहाँ गए हैं ये असुर? भैया, इस दुष्ट ने अपने असुर सैनिकों को वहाँ भेजा है जहाँ वो माँ को सर्वाधिक पीड़ा पहुँचा सकेंगे। हाँ, समस्त संसार पर संकट उत्पन्न करने गए हैं वो। ये तो सर्वथा अनुचित है। निर्दोषियों को आहत करना तो किसी भी योद्धा के लिए उचित नहीं है। मित्र हो ना, हम तुम्हें भोजन देंगे। तुम हमारे साथ क्रीड़ा करोगे ना, बहुत आनंद आएगा। अब तुम हमारे साथ ही रहना। तुम्हारा क्रोध तुम्हारे असहाय होने का प्रतीक है देवी।
और तुम्हारा असहाय होना मेरे आनंद का स्रोत है। अरे ये कैसी भयंकर ध्वनि है, ये आकाश में अग्नि कैसे उत्पन्न हो गई? हमारे उत्सव में ये कैसा व्यवधान है? ये अग्नि तो हमारी उपज की ओर बढ़ रही है। जल्दी बुझाओ अग्नि को, शीघ्रता करो बुझाओ। ये तो असुरों का आक्रमण है, उन्होंने हमारी उपज नष्ट कर दी है और वो हम पर भी आक्रमण कर रहे हैं। माता माता हमारी रक्षा कीजिए, माता हमारी रक्षा कीजिए। क्या हुआ देवी कौशिकी, मेरी इस चाल से तुम स्तब्ध हो गई ना? मैंने उचित स्थान पर वार कर दिया ना? अब इसने वो अपराध किया है जो सर्वथा अक्षम्य नीचता की पराकाष्ठा है। ये जगत भर में उत्पन्न होती अपनी संतानों की चित्कार सुन रही हो ना तुम? उनकी पीड़ा का तुम्हें आभास हो रहा है ना? अब तुम यहाँ मेरे सैनिकों से युद्ध करने के लिए स्थित हो और मेरी शेष सेना ब्रह्मांड के प्रत्येक भाग में पहुंचकर तुम्हारे संतानों को बंदी बनाकर प्रताड़ित कर रहे हैं। माता हमारी रक्षा कीजिए, माता माता हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए माता हमारी रक्षा। जगत्चंडी कहलाती हो ना तुम, अपने संसार की रक्षा करती हो ना तुम, तो मैंने अपनी शक्ति से तुम्हारे संसार पर ही प्रहार कर दिया है। और ऐसा कर अब तुमने स्वयं को प्राण घातक आघात का भागी बना लिया है दुष्ट शुंभ। कहो देवी अब क्या करोगी तुम? यहाँ रहकर हमसे युद्ध करोगी या अपनी उन निरीह संतानों की रक्षा करोगी? क्योंकि एक साथ तुम दो कार्य नहीं कर सकती। माँ को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, उनके भक्तों की रक्षा हेतु अब मैं ही प्रस्थान करता हूं। नहीं पुत्र कार्तिकेय, शुम ने एक बहुत भयानक भूल की है। एक नारी को नहीं एक माँ को चुनौती दी है उसने। अपनी संतानों की रक्षा के लिए माँ किसी भी सीमा तक जा सकती है जिसके लिए उसे किसी के सहायता की कोई आवश्यकता नहीं। किंतु पिताश्री यही तो स्थिति की विडंबना है। माँ यदि यहाँ रहकर शुंभ से युद्ध करेंगी तो वहाँ अन्य लोकों में असुर सैनिक निर्दोष जीवों को कष्ट देंगे, और यदि वो यहाँ से प्रस्थान करेंगी तो इसे शुंभ अपनी विजय समझेगा। माँ एक ही समय पर सभी स्थानों पर कैसे उपस्थित होंगी? तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो तुम्हारी माँ के पास ही है पुत्र। एक बार अपने संतानों की सुरक्षा सुनिश्चित कर ले तो निशुंभ का अंत भी निश्चित है। मिथ्या शक्ति का अभिमान व्यक्ति से भूल करवाता है जो उसके पतन का कारण बनता है।